कहाँ है कंचनगढ़ की गुफा, जहाँ सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाते ही पूरी हो जाती है हर मनोकामना। जहाँ शिव के होते हैं साक्षात दर्शन, गुफा के गर्भ में छिपा है एक विशालकाय शिवलिंग और खजाना। 11 साल से तप और तपस्या में लीन है एक बूढ़े बाबा, लेकिन अब तक इस रहस्य को कोई नहीं खोज पाया। क्या है 400 वर्ष पुराना कंचनगढ़ गुफा का रहस्य, जहां जाने वाले भक्त 15-20 दिन बाद लौट कर आते हैं वापस। कि इस तरीके से जो है गुफा में जो है आपको प्रवेश करना होगा और बेहतरीन शांति यहाँ पर अनुभूत, शांति की अनुभूति जो है वो आपको यहाँ पर होती है। आप भी, आपको भी समझ में आएगा कि ये गुफा जो है यकीनन जो है मन को शांति देने वाला है। अगर किसी को ध्यान करना है, पूजा करना है, तो इससे अच्छा कोई जगह नहीं हो सकता है। भोले की असीम कृपा है कि कंचनगढ़ की गुफा है और इस गुफा को आप देखते ही ये गुफा बनता है। हमें लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, लगभग कुछ ही ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने कि इस तरीके का गुफा देखा होगा। कहानियों और किस्सों में तो सुना होगा, लेकिन इस तरीके का गुफा जो है वो शायद आपने नहीं देखा होगा। और यकीन मानिए, इस गुफा में जो है सुकून है, सुकून है, माफ कीजिए, सुकून है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो कैलाशपति, जय शंकर महादेव। तो इस गुफा में जो है सुकून है, सुकून के साथ मन में जो है वो शांति है कि यहाँ पर आकर जो है आप ध्यान कर सकते हैं। भोले की भक्ति को जो है आप यहाँ पर ध्यान करके, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि भोले की भक्ति में किस तरीके से लोग जो है वर्षों तक तप करते हैं, तो ये तप का जगह है। ये हम कह सकते हैं कि कंचनगढ़ की गुफा जो है वो तप करने का एक जगह है और यहाँ पर आकर आप तप कर सकते हैं। आप भोले का जो है असीम कृपा जो है वो आप पर जो है वो बरसने वाली है। तो ये देखिए, गुफा से फिलहाल अब हम लोग निकल चलते हैं। जहाँ जहाँ भी देखेंगे इसी तरीके से पानी जो है यहाँ रिस रिस के जो है वो गिर रहा है। गुफा है और इस गुफा में जो है सदियों से बताया जा रहा है कि भोले बाबा जो है यहाँ पर वास करते हैं। और ऐसे अंदर जो है और गहरा गुफा है और यहाँ पर शांति है और एक अलग तरीके का जो है यहाँ पर आपको एहसास होता है, मन को सुकून मिलता है। दुनिया में एकांत अगर वास है तो वो कंचनगढ़ की गुफा में है। और इस देखिए, ये गुफा है, अब गुफा से जो हम लोग वो बाहर निकल रहे हैं। तो आपने गुफा देखा होगा शायद, इस तरीके का गुफा आपने, आप लोगों ने कहीं देखा होगा। मन को शांत करने वाला ये गुफा है, अपने आप में अलौकिक है। अगर आपको ध्यान करना है, भोले की भक्ति में झूमना है, तो आप एक बार कंचनगढ़ की गुफा जरूर आए। देख, नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़, मैं आपके साथ आशुतोष आनंद। आज हमारे साथ देख सकते हैं कि सोनू सिंह सूर्या है और हिमांशु राज है। हम लोग आज कंचनगढ़ की गुफा का सैर आप लोगों को कराने वाले हैं। बता दें कि इसका इतिहास 400 साल पुराना है और प्रकृति की गोद में बसा ये कंचनगढ़ की गुफा है। आगे हमारे साथ जो है जानकारी देंगे सूर्या जी और हिमांशु जी। और तो चलिए, हम लोग सफर पर निकलते हैं कंचनगढ़ की गुफा में। और बता दें कि ये कंचनगढ़ की गुफा झारखंड के पाकुड़ जिले में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंचनगढ़ की गुफा जो है पौराणिक काल की दृष्टि से अहम भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने से जो है मनोकामना पूरी होती है। क्या कहेंगे सोनू जी? ऐसा देखिए, कुछ ग्रामीणों से बात करने से ऐसा पता चला है कि 400 साल पुराना ये गुफा है, जहाँ पे पहले से पूजा होती आ रही है और यहाँ पे ग्रामीणों का पूरा आस्था जुड़ा हुआ है। महादेव का ऊपर में शिवलिंग है। और हम लोग बात करें अगर इस पहाड़ी के बारे में, तो लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में ये पहाड़ी है और काफी मनोरम दृश्य है। आप देख सकते हैं कि चारों बगल जिधर भी देखेंगे अभी आपको प्रकृति की गोद में हम लोग हैं और चारों बगल सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि ये जगह जो है सबों को पता नहीं। हिमांशु, क्या कहेंगे इस जगह को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो ये बोला 400 साल पुराना, वाकई ये 400 साल पुराना है, लेकिन बहुत लोग इसे विश्वास इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत लोग जानते नहीं है इसके बारे में। जितना ही ये बेहतरीन जगह है, जितना ही प्रकृति सुंदरता से भरपूर ये जगह है, लेकिन लोग कम जान पाए हैं। और बहुत, लेकिन जगह ये बेहतरीन है।
तो जगह बेहतरीन है और एक बार हम चाहेंगे कि जिस तरीके से ये इलाका है चारों ओर आप देखिए प्रकृति की गोद में बसा ये जगह है कंचनगढ़ की गुफा। और गुफा में प्रवेश करते ही आपको दिखेगा कि क्यों जो है ये गुफा फेमस है, यहाँ का दृश्य जो है वो बड़ा मनोरम है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इस गुफा में। तो देखिए ऊंची चढ़ाई चढ़कर जो है अब हम लोग गुफा में प्रवेश करने वाले हैं। और ये दृश्य देखिए, इस दृश्य को देखकर आपको लगेगा कि प्रकृति के गोद में ऐसा गुफा है जहां से आपको, जहां पर आपको आने के बाद जो है मन में शांति का अनुभव होगा और देखकर आप भी जो है अचंभित हो जाएंगे कि आखिर प्रकृति की गोद में इस तरीके से बेहतरीन और सुंदर और मन को शांति देने वाला जगह कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति है। और देखिए ये जो है वो गुफा है और गुफा को आप देख सकते हैं, ये अभी छोटा सा गुफा, छोटा माफ कीजिएगा, ये गुफा जो है अभी जो आपको दिख रहा है ये मात्र एक स्वरूप है। इसके अंदर जो गुफा है वो बेहतरीन गुफा है। और बता दें कि सावन का लास्ट सोमवारी है, ऐसे में जो है हम आपको चनगढ़ की गुफा लेकर आए हैं और यहाँ पर साक्षात भोले बाबा जो है वो विराजमान है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ है भोले बाबा का कृपा। तो कंचनगढ़ की गुफा में हम मौजूद हैं, अंदर का दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से गुफा है और प्रकृति की गोद में बसा है। और यकीन मानिए यहाँ पर आने के बाद एक अलग तरीके से सुकून मिलेगा। और बाबा है यहाँ पर जो वर्षों से रह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? भूसानी पहाड़े। कितना दिन से आप रह रहे हैं? 11 साल हो गया। 11 साल हो गया। खाना पीना का प्रबंध आपका कैसे होता है? अभी देखिए कोई आता है अच्छा आदमी तो देता है कुछ पैसा, तो चावल खरीद के खाता है, वो तो झूठा बात बोलने को नहीं, अगरबत्ती बताशा उताशा किन के बचने से वो ये काम करता है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? पूरे पहाड़ी पर गुफा है, गुफा में आप अकेले रहते? देखिए आदमी से दुनिया से बच के चलो, आदमी तो आजकल भूत हो गया है। ये सोच लो जे आपको अभी 2000 पॉकेट में है, होने से वो लोग आपको मारपीट करके लूटेगा, वो तरीका होगा जहाँ तहाँ करेगा। और हम तो बैठा है, देखिए गुफा में बैठा है क्या करेगा, बाबा बोलाया उसका हम देखने मिला तो यहाँ में हम बैठा है। अभी यहाँ से निकल के जाएगा मृत्यु हो जाएगा, हमें खुद जनता है, आदमी लोग मार देगा। क्या साधु देखा है कि फूटा नहीं देखा था बोलेगा, इसीलिए हम बैठा ही है। यही आपको मन लगता है? यह नहीं, बाबा को छोड़ने नहीं सकता है इसलिए। अच्छा, आप जो पहली बार यहाँ आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर गुफा है, हमको यहाँ पर रहना है? ये तो देखिए ट्रेलिंग दिया हमको बोले बाबा। कैसे कैसा? आगे में पहाड़िया बादशाह हम बोलने नहीं सकता है, तो बाबा के जाके बोला है तुमरा बिना वो खिलाठो ने रोकने नहीं सकेगा, तुम जाने होगा शादी मत करो, शादी धर्म पूरा करो, उसका पीछे में शादी करो, आपको जी लगता है वही मिलेगा। तो मतलब आपने अभी तक शादी नहीं की? शादी नहीं किया। घर द्वार, घर द्वार है कि नहीं आपका? अभी घर द्वार तो ये हो गया, 11 साल हुआ हम कहीं नहीं जाता है। 11 साल से कहीं नहीं जाते हैं? नीचे उतरते हैं कि नहीं? नीचे उतरता है, ये सामान नहीं है तो चावल वावल खरीदने के लिए उतरता है, वो झूठा बात बोल के क्या फायदा है, इसलिए इसे करके बैठा है। तो देखिए यहाँ पर बाबा हैं, 11 साल से लगातार जो है यहीं पर जो है वो रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सारा बसेरा जो है इनका यहीं पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर है और यहाँ से जुगाड़ में इनका खाना वाना बनता है और जो यहाँ पर आते हैं जो दे देते हैं बाबा उसी से गुजर बसर करते हैं और भोले बाबा की लगातार सेवा में लगे रहते हैं। तो चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं कि गुफा कैसा है और किस तरीके से ये गुफा भव्य दिखता है। तो देखिए ये बाबा का जो है यहीं पर बसेरा रहता है, ये इनका किचन है, छोटा सा किचन है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा जो है यहाँ पर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये गुफा है, आप देख सकते हैं कि ये गुफा किस तरीके से जो है वो दिख रहा है और हम चाहेंगे कि हिमांशु से कि वो दिखाएं इस गुफा की भव्यता को दिखाएं। और देखिए यहाँ पर भोले बाबा जो है वो साक्षात यहाँ पर आपको दर्शन दे रहे होंगे। तो ये भोले बाबा हैं और सावन का जो है आखिरी सोमवारी आज है और ये दृश्य देखिए कि किस तरीके से जो है
ये गुफा है और कितना भव्य ये गुफा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप निगाहें डालेंगे तो ये दूर तक जो है वो गुफा गया हुआ है और देखिए किस तरीके से ये गुफा दिख रहा है, एकदम मन को शांति देता जो है ये गुफा है और देखने में कितना भव्य लग रहा है। अगर यहाँ पर आप आएंगे और इस गुफा को देखेंगे तो आपके मन में शांति होगा कि देखिए किस तरीके से जो है ये पूरा गुफा है और ये पहला गुफा है और इस तरीके से यहाँ पर दो गुफा है और आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा गुफा अपने आप में अपना इतिहास बता रहा है। क्या कहिएगा हिमांशु जी? भैया सबसे तो पहले मैं मतलब गजब के मैं एकदम भगवान के शरण में जाना चाहता हूँ, भोलेनाथ की असीम कृपा है। देखिए इतनी इतनी गुफाएं मेरे तो समझ में नहीं आ रही थी, मैंने पहले नाम सुना था, ये तो 400 साल का मुझे तो बहुत पुराना इतिहास लगता है इनका। भैया बहुत गजब, एक गुफाएं नहीं इनसे जुड़ी कितनी गुफाएं हैं, हम लोग तो अभी एक पार्ट देखने मतलब सिर्फ गुफाएं ही गुफाएं हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे गुफा की ओर, वहां भी देखते हैं कि क्या कुछ है। और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंचनगढ़ की गुफा में एक बाबा रहते हैं और रहस्यमय गुफा है, बता दें कि ये रहस्यमय गुफा है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये भव्यता और ये आत्मसंतुष्टि करने वाला ये गुफा है और अब जिस तरीके से ये गुफा हम आपको दिखा रहे हैं यकीन मानिए आप यहां तक पहुंचेंगे तो आपके भी मन को जो है वो शांति प्रदान करेगा। क्या कहिएगा हिमांशु जी? बहुत अलौकिक अलौकिक एहसास हो रहा है मुझे, मतलब कि मैं बता नहीं पा रहा हूं। अगर नॉर्मल आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा बेहतरीन, मतलब मन को काफी शांत और मतलब भक्ति से ओतप्रोत ये जगह। देखिए आपको आपको रेंगना पड़ेगा आशुतोष भैया आगे की बातों के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है ये हम लोग जो है झुक के जो है वो अंदर आ रहे हैं और आगे जो है देखिए यहाँ पर ये गुफा है। हिमांशु आप आगे आ जाएंगे। जी जी मुझे भी थोड़ा रेंगना पड़ेगा। और देखिए ये गुफा है और शांति है यहाँ पर, पूर्णता जो है वो शांति है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पानी पानी जो है वो धीरे धीरे रीस कर गिर रहा है, यहाँ पर शांति है, काफी काफी शांति एकदम साक्षात लगता है। अगर भगवान कहीं है तो वो यहीं पे हैं, यही एहसास कराता है ये जगह, बेहतरीन ये नजारा। भैया मैं क्या बताऊं, कोई कहता है कि भगवान नहीं है तो नहीं, अगर ये ऐसा कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, भगवान है नहीं तो फिर ये चमत्कार ही तो है, ये आप देख पा रहे हैं चमत्कार ही है। बेहतरीन ये गुफा है और अभी अंदर चलना है तो रेंग के जाना होगा। देखिए ये ऐसे हिमांशु आप एक टॉर्च पकड़ लेंगे पीछे, क्यों करूं तू? आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है गुफा में जो है आपको प्रवेश करना होगा और बेहतरीन शांति यहाँ पर अनुभूत शांति की अनुभूति जो है वो आपको यहाँ पर होती है। आप भी आपको भी समझ में आएगा कि ये गुफा जो है यकीनन जो है मन को शांति देने वाला है। अगर किसी को ध्यान करना है पूजा करना है तो इससे अच्छा कोई जगह नहीं हो सकता है। भोले की असीम कृपा है कि कंचनगढ़ की गुफा है और इस गुफा को आप देखते ही ये गुफा बनता है। हिमांशु हम चाहेंगे कि आप वहीं से दिखाएं और देखिए किस तरीके से ये गुफा है। देखिए कैमरा थोड़ा सा हम इधर दिखा देते हैं, तो देखिए ये गुफा है और इस गुफा में जो है सदियों से बताया जा रहा है कि भोले बाबा जो है यहाँ पर वास करते हैं और ऐसे अंदर जो है और गहरा गुफा है और यहाँ पर शांति है और एक अलग तरीके का जो है यहाँ पर आपको एहसास होता है, मन को सुकून मिलता है। दुनिया में एकांत अगर वास है तो वो कंचनगढ़ की गुफा में है और इस कंचनगढ़ की गुफा का एक झलक आप देखेंगे तो आपके मन को जो है वो शांति मिलेगा। और यहाँ पर देखिए पानी किस तरीके से धीरे धीरे करके जो है वो रिश्ता है। आप देख सकते हैं कि हिमांशु भी जो है वो झुक के जो है इस गुफा में प्रवेश किया है और ये गुफा जो है वो अपने आप में अलौकिक है। और बताया जाता है कि इस गुफा में आकर जो भोले बाबा का ध्यान करते हैं, भोले बाबा से मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें जो है वो पूरी होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये गुफा है। हिमांशु जी बेहतरीन भैया एकदम जो है मतलब भक्ति भावना से उत्प्रोत करती है जगह है, भगवान के प्रति आस्था दिलाती विश्वास दिलाती ये जगह है, मतलब क्या ही कहना इस जगह के बारे में, बेहतरीन ये जगह। थोड़ा सा एक मिनट मेरे को समय देंगे, मैं कुछ चीज़ें मोबाइल वोबाइल जगह पे रख लूँ, बेहतरीन एक बार मतलब आपको विश्वास करना है महसूस करना है भगवान को। तो आशुतोष भी आप आ जाए रेंगते हुए, तो मतलब आप अगर आपने हमें लगता है कि आपने किसी हमें लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं लगभग
कुछ ही ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने कि इस तरीके का गुफा देखा होगा, कहानियों और किस्सों में तो सुना होगा, लेकिन इस तरीके का गुफा जो है वो शायद आपने नहीं देखा होगा। और यकीन मानिए इस गुफा में जो है सुकून है, सकून है, माफ़ कीजिए, सुकून है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो कैलाशपति, जय शंकर महादेव। तो इस गुफा में जो है सुकून है, सुकून के साथ मन में जो है वो शांति है कि यहाँ पर आकर जो है आप ध्यान कर सकते हैं, भोले की भक्ति को जो है आप यहाँ पर ध्यान करके, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि भोले की भक्ति में किस तरीके से लोग जो है वर्षों तक तप करते हैं तो ये तप का जगह है, ये हम कह सकते हैं कि कंचनगढ़ की गुफा जो है वो तप करने का एक जगह है। और यहाँ पर आकर आप तप कर सकते हैं, आप भोले का जो है असीम कृपा जो है वो आप पर जो है वो बरसने वाली है। तो ये देखिए गुफा से फिलहाल अब हम लोग यहाँ निकल चलते हैं, जहाँ जहाँ भी देखेंगे इसी तरीके से पानी जो है यहाँ रिस रिस के जो है वो गिर रहा है। तो देखिए ये गुफा है, अब गुफा से जो हम लोग वो बाहर निकल रहे हैं। तो आपने गुफा देखा होगा शायद, इस तरीके का गुफा आपने आप लोगों ने कहीं देखा होगा, मन को शांत करने वाला ये गुफा है, अपने आप में अलौकिक है। अगर आपको ध्यान करना है, भोले की भक्ति में झूमना है, तो आप एक बार कंचनगढ़ की गुफा जरूर आए। अब देख सकते हैं कि कंचनगढ़ की गुफा से हम आपको दिखाते हैं, चारों ओर जो है वो पहाड़ियों से जो है वो घिरा हुआ है, और यहाँ आने के बाद जो है एक अलग तरीके से सुकून मिलता है। हम चाहेंगे कि आप भी अगर झारखंड में रहते हैं या भारत के किसी कोने में रहते हैं तो कंचनगढ़ की गुफा जरूर पहुँचें, और इस गुफा की अलौकिक शक्ति के बारे में आपको भी अनुभूति होगी और आपको भी एहसास होगा कि ये कंचनगढ़ की गुफा झारखंड के कौन से जिले, झारखंड के पाकुड़ जिले में जो है ये कंचनगढ़ की गुफा है। यकीन मानिए मन को संतुष्टि देने वाला ये गुफा है, मन को शांति देने वाला, माफ कीजिए, क्या कहिएगा आप। अभी बाबा से बात करने के बाद पता चला कि आप जिस रास्ते से अभी गुफा में अंदर गए थे, हाँ, वो रास्ता काफी गहरा है, और उसमें कभी एक आदमी जाते हुए फंस गए थे, इस कारण से अंतिम छोर का अभी तक पता चल नहीं पाया है। लेकिन गुफा काफी विकराल है, काफी बड़ा है, अंदर में बहुत सारे जीव जंतु भी हैं जो बाबा को अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो यही कहेंगे कि यहाँ से हम महादेव की हर कोई भक्ति करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, सांप हो, और हम मनुष्य हो, हर कोई यहाँ बाबा की भक्ति के लिए आता है, और अच्छा लगता है, काफी शांति मिला के यहाँ पर। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर अंत तो नहीं होता है, इस गुफा का अंत नहीं है। कौन आप अंदर गए हैं? गया है, लेकिन आदमी लोग जाने वाला है, एक हफ्ता दो हफ्ता रह के आता है। देखिए इस गुफा का ये रहस्य है कि इस गुफा के अंदर जो भी जाता है और सच्चे मन से जाता है, अगर किसी को ध्यान करना होता है तो एक सप्ताह 15 दिन इस गुफा में रह के फिर वापस आता है। वापस आएगा, हराई नहीं जाएगा बाबा का। ये देखे जहाँ लंग भंग करने वाला आदमी डूबने से तो हरा भी सकता है, लेकिन अच्छा सच्चा दिल का आदमी लोग जाएगा तो कुछ नहीं होगा। पूजा करने वाला आदमी जाता है, पूजा करके वापस आ जाता है। तो देखिए ये बेहतरीन दृश्य है और अलौकिक जगह है, और हमें लगता है कि आपको भी जो है इस जगह पे आना चाहिए। इंडिया से किसी भी कोने पे हैं, अगर भोले की भक्ति में आपको जरा सा भी आस्था है, अगर विश्वास है, तो कभी कंचनगढ़ की गुफा में झारखंड के पाकुड़ जिले में पड़ता है कंचनगढ़ की गुफा, यहाँ पर जरूर आएं और इस अलौकिक दृश्य को जरूर देखें। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।